कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसार्ड धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सविता जैन ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन आश्वित जैन। पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांति लाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन गर्व एवं पर्व जैन बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांति लाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारौर परिवार। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। नमोस्तु। हमारी संस्कृति में अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और ये कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। हम लोग अहिंसा की बातें करते हैं, अहिंसा की महिमा गाते हैं, लेकिन अहिंसा को अपनाने में प्रायः पीछे रह जाते हैं। आज बात उसी अहिंसा की करनी है। अहिंसा का हमारे जीवन में स्थान क्या है,
हम अहिंसा को किस स्तर पर अपनाएं, हम अहिंसा को कैसे निभाएं और लोगों के हृदय में अहिंसा का की चेतना को कैसे जगाएं। आज चार बातें आप सबसे करूंगा। अहिंसा को हम जानें, किस स्तर से अपनाएं, अहिंसा को कैसे निभाएं और अहिंसा की चेतना लोगों में कैसे जगाएं। कुछ सूत्र वाक्यों से आज की बात की शुरुआत करता हूं। बड़ा प्यारा वाक्य है, अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है और हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है, हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। दूसरा वाक्य है, क्षुधा बाधितों के साथ अपनी रोटी बांट कर खाना। क्षुधा बाधितों के साथ यानी भूख से पीड़ितों के साथ, क्षुधा बाधितों के साथ अपनी रोटी बांट कर खाना और हिंसा से दूर रहना, यह सब धर्म उपदेष्टाओं के समस्त उपदेशों में श्रेष्ठतम है। आगे कहते हैं, अहिंसा सब धर्मों से श्रेष्ठ है, अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सच्चाई की श्रेणी उसके पश्चात है। सत्य से भी ऊंचा स्थान अहिंसा का है। सन्मार्ग कौन सा है? यह वही मार्ग है जिसमें छोटे से छोटे जीव की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जिन लोगों ने इस पाप भय से सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, उन सब में मुख्य पुरुष वह है जो हिंसा के पाप से डरकर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता है। कुल मिलाकर इन सब वचनों का सार यही है कि अहिंसा ही हमारे धर्म का आधार है और अहिंसा को अपनाए बिना सब कुछ बेकार है। समस्त भारतीय धर्मों का केंद्रीय तत्व है अहिंसा। सब लोग अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सवाल है, मन में इस अहिंसा की बात को हम कैसे जगाएं, है ना? अहिंसा और हिंसा ये दो चीजें हैं। हिंसा न करना ही अहिंसा है। क्यों न करें हिंसा, अहिंसा को क्यों अपनाएं, ये सवाल है। तो बात केवल इतनी सी है कि जब हम एक छोटा सा कांटा हमें चुभता है, हम तिलमिला उठते हैं, होता है कि नहीं? यदि हमारे द्वारा किसी की हिंसा होगी, उसकी पीड़ा का क्या होगा? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी के प्राण हरण का भी हमें अधिकार नहीं है। प्रकृति ने हमें जिस रूप में जन्म दिया है, हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम जिए और औरों को जीने दें। ये भाव हमारे हृदय में तब तक नहीं टिकेगा जब तक हम आत्म साम्य की भावना को नहीं समझेंगे। अहिंसा का मूल आधार संवेदनशीलता है
और हमारी संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हम सह अस्तित्व की भावना को जगाएंगे, और सह अस्तित्व का भाव हमारे हृदय में तभी पनपेगा जब हमारे मन में आत्म साम्य की भावना जगेगी। संवेदनशीलता जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है। संवेदनशीलता अपने जीवन में जगनी चाहिए। जैसे हम नख से शीश तक अपने प्रति संवेदनशील हैं, थोड़ी भी तकलीफ होती है मन बेचैन हो जाता है। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी अपने जीवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, अपने प्रति होता है, अपनों के प्रति होता है। और जिनके प्रति हमारी संवेदना होती है, हमारा व्यवहार उसके प्रति उतना करुण और अहिंसक हो जाता है। और मनुष्य जितना जितना संवेदन शून्य होता है, उसका व्यवहार उतना ही क्रूर और कलुष हो जाता है। एक बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठा करके रखती है। लेकिन कितना अंतर है, चूहे को पकड़ते समय वह उसका शिकार है, और बच्चे को उठाते समय वह उसके कलेजे का टुकड़ा है। बच्चे के प्रति उसका मातृत्व झलकता है, और चूहे के प्रति वह क्रूर हो जाती है। क्यों? बच्चे के प्रति उसकी संवेदना है, चूहे के प्रति नहीं। शेर जैसा क्रूर प्राणी भी जिन तीक्ष्ण पंजों से प्राणियों का संहार करता है, उन्हीं से अपने बच्चों को खिलाता भी है। एक कसाई रोज जिन हाथों से अनेक प्राणियों की निर्मम हत्या करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को खिलाता भी है। अंतर क्या है? जिसके प्रति संवेदना है वहां करुणा है, और जहां संवेदन शून्यता है वहां हिंसा है। मनुष्य का चेतन स्तर ज्यो ज्यो परिष्कृत होता है, जितना ऊपर उठता है उसकी संवेदना उतनी प्रबल होती है, और संवेदना जितनी प्रबल होती है उसका व्यवहार उतना अधिक अहिंसक हो जाता है। तो अहिंसा को अपनाने के लिए संवेदना को जगाइए। संवेदना का मतलब क्या है? औरों की वेदना को पहचानना ही संवेदना है। अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, और औरों की पीड़ा से द्रवीभूत होना संवेदना है। और प्राणियों की पीड़ा को पहचानो, उनके कष्ट को कष्ट महसूस करो, उनके दुख को दुख मानो। और ये कब होगा? जब तुम उनके अस्तित्व को स्वीकार करोगे। संवेदनशीलता सह अस्तित्व के भाव से आती है। जैसे मेरा अस्तित्व है वैसे उसका अस्तित्व है, जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे वे जीना चाहते हैं, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे उनको भी सुख प्रिय है, जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे उनको भी दुख अप्रिय है, जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे वे भी मरना नहीं चाहते। तत्त्वत मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इस आत्म साम्य की भावना से ही सहस्तित्व का भाव जगता है, और सहस्तित्व का भाव जगने से ही संवेदना बनती है, और संवेदना के प्रकट होने में ही अहिंसा पलती है। एक व्यक्ति है जो केवल इस भाव से अहिंसा को अपनाता है क्योंकि कुल परंपरा में अहिंसा के संस्कार आए, और एक व्यक्ति है जो हिंसा को क्रूरता और अमानवीय मानकर उससे दूर होता है।
जिसके हृदय में संवेदना जागती है वो अन्य प्राणियों की रक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य समझ करके चलता है, उस व्यक्ति की अहिंसा की निष्ठा बड़ी गहरी और प्रगाढ़ होती है। अपने मन में जगाइए, आजकल ये संवेदना दिनों दिन छीन होते जा रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आजकल खान पान का तौर तरीका बहुत बदल गया और इस बदले हुए तौर तरीके के कारण बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आपके घर में आ गई, घर में क्या आपके चौके में आ गई, जिसको खाना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए। कल इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन जब कहा जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं, एक बार एक चर्चा आई कि ई नंबर देख करके आप कोई चीज़ खाओ, इमेंसोफलोग्राफ जो होता है, ई नंबर, ई नंबर है तो ई नंबर में दिया जाता है कि इसमें कोई प्राणी तत्व तो नहीं है, अगर है तो मत खाओ। मेरे पास दो बच्चे बैठे थे, दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया और अलग अलग संस्कार। एक ने कहा अब सब में ही तो डला, फिर क्या बचा, क्या क्या छोड़ेंगे, खाएंगे क्या, खाने को ही कुछ नहीं बचा। दूसरा बच्चा उसके ही सामने तुरंत उसको चुप करते हुए बोला, भैया ऐसा क्यों कहते हो, इसके बिना भी तो जिंदगी चल सकती है। महाराज जी को देखो, वो तो इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं खाते और एक ही वक्त खाते, कैसे रह सकते हैं। जब हमें किसी प्राणी को बचाना है तो केवल अपने जीवन का ख्याल नहीं, औरों के जीवन का भी ख्याल होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार में, तुम्हारे प्रत्येक विचारों में अहिंसा प्रतिबिंबित होगी, होकर रहेगी। प्रायः लोग अपने आप को अपने खान पान तक सीमित कर लेते, ये बात सही है कि हमें अपने खान पान का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और खान पान में संयम रखना चाहिए, जिसमें हिंसा का रंच मात्र पुट हो वो वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अहिंसक होने का मतलब केवल आहार की शुद्धि नहीं, अहिंसक होने का मतलब पूरे जीवन शैली में परिवर्तन होना चाहिए। मन के स्तर पर ही होने वाली हिंसा से बचे, वचन के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचे और शरीर के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचे, तब हम कहीं जाकर अहिंसक हो सकेंगे। सच्चा अहिंसक बनना है तो मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर अहिंसा को अपनाना होगा और तीनों स्तर पर हिंसा से बचना होगा। अपने मन को टटोल, मन के स्तर पर हम कहां कितना हिंसा कर बैठते हैं अक्सर खुद को भी पता नहीं चल पाता। मन के स्तर पर अहिंसा को अपनाएं। जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, वहां धर्म की अलग अलग व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। एक जगह लिखा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदासम अघन गरीशा, यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। दूसरी जगह लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं, ये सारे वांग्मय में, सारे शास्त्रों में लिखा है। तीसरे कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तीनों जगह इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, यही धर्म है और तीन अलग अलग बात दिख रही है। एक जगह अहिंसा की बात है, एक जगह सत्य की बात है, एक जगह
परहित साधन की बात है, लेकिन जब मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया ये तीन बात नहीं है, तीनों जगह एक ही बात है। हमें तीनों जगह अहिंसा के ही दर्शन हो रहे हैं। मन के स्तर पर अहिंसा का पालन करना है तो पर निंदा से बचो। पर निंदा करना, दूसरों से घृणा करना, द्वेष करना, किसी का अहित सोचना, ये सब क्या है? ये हिंसा है कि नहीं, बोलो। पर निंदा सब नहीं, अधमाई का मतलब क्या है? आप सब अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म की जय लगाते हो कि नहीं, बोलते हो? कभी मन में आता है कि मैं मन से कितनी हिंसा कर बैठता हूं? दूसरों का बुरा सोचना हिंसा या अहिंसा, बोलो? दूसरों की निंदा करना हिंसा या अहिंसा? दूसरों की बुराई करना हिंसा या अहिंसा? दूसरों से द्वेष रखना हिंसा या अहिंसा? दूसरों से बैर रखना हिंसा या अहिंसा? अब बोलो, क्रोध करना हिंसा या अहिंसा? कषाय करना हिंसा या अहिंसा? तो अगर इन बुराइयों में फंसे रहोगे तो अहिंसा को कितना अपना पाओगे? अपना पाओगे क्या? तो केवल अहिंसा परमो धर्म की जयकार करने से तुम्हारे अंदर अहिंसा नहीं आएगी ना। अरे महाराज, अभी सब तो कर ही नहीं सकते तो फिर क्या? फिर सब प्रकार की हिंसा करने लगे, हम हिंसा से मुक्त नहीं होंगे, आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन हम अहिंसा के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं तो मुझे अपने प्रति जागरूकता रखने की जरूरत है, 24 घंटा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि मैं अनजाने में होने वाली हिंसा से अपने आप को बचा सकूं। अगर तुम्हारे मानस में ये बात बैठ जाएगी कि मन की दुर्भावना भी एक प्रकार की हिंसा है, उसी क्षण तुम्हारे दुर्भावनाओं में कमी आने लगेगी। पर विडंबना यह है कि इन बातों को लोग बुराई के रूप में देखते ही नहीं, इन्हें हिंसा मानते ही नहीं। तो अगर इनको तुम हिंसा नहीं मानोगे तो बचोगे कैसे? इसमें औरों की हिंसा नहीं, तुम्हारे खुद के परिणामों की हिंसा हो रही है, तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। ईर्ष्या द्वेष की भावना जिस मनुष्य के अंतरंग में जितनी प्रबल होती है उसका उतना हरासमेंट होता है, उसका उतना खून जलता है। कहते हैं ना, गुस्से में खून खौल गया, तो खौलेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो, क्यों जलाते हो? अपना खून जलाना और किसी का खून करना हिंसा तो हिंसा ही है। हाँ बोलो, खून जलाओ खून बहाओ एकदम हिंसा है, इसलिए अपने खून जलाने की प्रवृत्ति से बचो। उल्टा अर्थ मत ले लेना कि खून जलाना खून बहाना दोनों महाराज ने एक बताया तो अब खून बहा ही दो, क्योंकि जलाने से हम बच नहीं पा रहे तो बहा ही दो ना? अरे भैया, जितना बन सके अपने आप को रोको, पाप को जिस स्तर पर रोक सकते हो वहां रोको। बाहर की हिंसा से बचो, भीतर की हिंसा से भी बचने का उपक्रम करो, तब आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात, वचनों में अहिंसा पाना है तो वाचिक हिंसा से बचो, सत्य बोलो, यानी हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करो। मुख से अप्रिय, अहितकर, कटुक,
मर्मघाती वचनों का प्रयोग मत करो, दुर्वचन मत कहो, अपशब्द मत कहो, ऐसे शब्द जिसको सुनने से सामने वाले का मन आहत हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हिंसा है। गांठ में बांध लो, तुम गाली दे रहे हो, हिंसा कर रहे हो। तुम किसी के कटु वचन बोल रहे हो, हिंसा कर रहे हो। किसी के लिए अपमानपरक वचनों का प्रयोग कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। उस गली एक ख्याल होना चाहिए, अगर ऐसे शब्द निकल रहे मुझे रोकना ही हिंसा है, और मुझे हिंसा की तरफ सपने में भी नहीं जाना है, क्योंकि हिंसा समस्त पापों का मूल है। हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं, इससे मुझे बचना है। और तीसरा, शरीर के स्तर पर जब अहिंसा हो तो किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं, अपने खान पान में संयम रखना, सदाचारी बनना, शाकाहारी बनना, सात्विक जीवन जीना, और जितना बन सके औरों की सेवा करना, ये शरीर के स्तर की अहिंसा है। तीनों स्तर पर हमें अहिंसा को अपनाने की आवश्यकता है, और ये घटेगी जब तुम्हारे मन में संवेदना हो। एक बात बताओ, जिसके प्रति तुम्हारे मन में प्रगाढ़ आत्मीयता होती है, उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई द्वेष होता है? उसकी बुराई करते हो, उससे ईर्ष्या रखते हो, उस पर गुस्सा करते हो? मतलब जहां आत्मीयता आई वहां अपने आप उसके प्रति में अहिंसक हो गए, हुए कि नहीं हुए? जिससे तुम्हारी प्रगाढ़ आत्मीयता या जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होती है, उसको गाली देते हो, उसे कटु शब्द कहते हो, उसका अपमान करते हो? नहीं ना। यानी जहां आत्मीयता है वहां वचन के स्तर पर भी अहिंसक हो गए, और जहां मेरी आत्मीयता है उसको कभी सताते हो, उसे कभी परेशान करते हो? बोलो, नहीं करते ना। बनते कोशिश, उसको थोड़ा भी कष्ट हो तो उसकी सारी पीड़ा हरने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। यानी जिसके प्रति मन में आत्मीयता हो, संवेदना जगती है, और जहां संवेदना जगती है उसके प्रति हम मन से भी अहिंसक हो जाते हैं, वचनों से भी अहिंसक हो जाते हैं, और शरीर से भी अहिंसक हो जाते हैं। मूल को पकड़ लीजिए, संवेदना को अपने अंतरंग में जगाइए, जीवन का काया पलट हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता विशेष नहीं रहेगी, और उसको जगाए बिना कितनी भी बातें कर दे कुछ नहीं होगा। अब तीसरा सवाल, निभाए कैसे? ये बड़ा सवाल है। महाराज जी, अहिंसा है बहुत अच्छी चीज, पर कदम कदम पर तो हिंसा दिखती है, सब तरफ तो प्राणी दिखते, जले जंतु, थले जंतु, आकाश जंतु रेव च जंतुआ कुले ही कुलो ही संसारो कथम भिक्षु रहिंस का। जहां देखो जल में जलतु, थल में जलतु, नभ में जलतु, जंतु सब जगह जंतु ही जंतु है, तो हम क्या करें जिससे अहिंसक हो, है ना? कहते नहीं, माना ये जगत प्राणियों से भरा है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर संवेदना है तो तुम हिंसा से बच जाओगे। अहिंसा को निभाने का एक सूत्र दिया, वह है यतनाचार। क्या है? यतनाचार। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है। प्राणी का मर जाना हिंसा है, और प्राणी को बचा लेना अहिंसा, यह बड़ा स्थूल रूप है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावनाओं से है। मर्द व जीवद व जीवो,
ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नथि बंधो हिंसा मितेन समिदस। एक व्यक्ति है जो बिना देखे चल रहा, उसके कोई हिंसा न भी हो तो भी वो पाप का भागी है, और एक व्यक्ति देख के सावधानी से चल रहा है, कदाचित कोई क्षुद्र जीव उसके पैरों के नीचे आ जाए और मर जाए तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं है, क्योंकि पहले में अयत्नाचार है और दूसरे में यत्नाचार है। यत्नाचार समझ गए ना, सावधानी। मन के स्तर पर सावधान हो जाओ, वचनों के स्तर पर सावधान हो जाओ और शरीर के स्तर पर सावधान हो जाओ, तुम अहिंसा की प्रति मूर्ति बन जाओगे, हिंसा रंच मात्र नहीं होगी। द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं, भाव हिंसा ही हिंसा है। तो अपने भावों को जितना अच्छा बना सको बनाने का प्रयत्न करो। तो ये अहिंसा का अपने जीवन में निभाने का रास्ता बनेगा। कैसे निभाएं, समझो, भाव से तो बचो, संकल्प पूर्वक इरादतन किसी की हिंसा मत करो। भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। एक आदमी किसी को ऊपर गोली चलाए और वो बच भी जाए तो भी उसके ऊपर 307 का केस लगेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। और एक डॉक्टर से यदि कोई ऑपरेशन फेल हो जाए, व्यक्ति मर जाए, तो भी उस पर कोई केस नहीं। क्यों? दोनों जगह दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से अलग अलग प्राणियों की जान गई, हत्या हुई, लेकिन एक की हत्या हत्या, एक की हत्या का प्रयास भी हत्या जैसा और दूसरे की हत्या नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ने इरादतन मारने का भाव किया और दूसरे सामने वाले को बचाने का प्रयास किया। तो बस मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। कल तो एक आदमी विद्यमान था और आज वह नहीं है। कल तो एक आदमी विद्यमान था और आज वह नहीं है, संसार में यही बड़े अचरज की बात है। तुम भी सोच लो ना, क्या होगा, एक हिचकी आएगी और चले जाएंगे और हमारे बारे में लोग कहेंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उनसे बात की थी, कल ही तो मैं उनसे मिला था, अचानक चले गए। बोलो, यही होगा ना। आंखें बंद करो और सोचो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, सब लोग, सभी आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि अभी मर जाओ तो फिर क्या होगा। अगर मेरी अभी मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होगा। यही क्या होगा, क्या आया झलका, मरूंगा, मेरी अर्थी निकाली जाएगी, घर भर के लोग मुझे चिता पर ले जाके सुलगा देंगे, है ना, और लोग मेरी थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे फिर भूल जाएंगे, मेरे विरुद्ध मेरे लिए एक श्रद्धांजलि सभा रख दी जाएगी, इकट्ठे होकर लोग मेरे कुछ गुण गाएंगे, फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। यही कहानी होगी ना। तुम कहाँ जाओगे, खोल लीजिए आंखें। यही ऐसा ही कुछ झलका ना। हाँ, तो क्या है, जानो, जागो, इस सत्य को जानकर जाग जाओ, मोह माया में मत उलझो, जाग करके त्यागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाग लो, ये समझो, मेरे पास जो भी कुछ है
चाहे शरीर हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, संसार का जो भी संयोग है वह सब नश्वर है। आज रहे कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, जब तक मेरे पास है मैं इसका उपयोग कर लूं, अन्यथा कब क्या होगा कौन जानता है। इसलिए समृद्धि क्षण स्थायी है, यदि तुम समृद्धिशाली हो गए हो तो ऐसे काम करने में देर न करो जिनसे स्थायी लाभ पहुंच सकता है। कभी तुमने अपने जीवन को स्थायी लाभ देने के बारे में सोचा? धर्म ही एक रास्ता है जो हमारे जीवन में स्थिरता और स्थायित्व लाता है, उसे अंगीकार करो। अपने शरीर को तप में लगाओ, अपने धन को दान में लगाओ, अपने संबंधों को स्वपर के कल्याण में लगाओ, यही सही उपयोग है। जो जाग जाता है वो उलझता नहीं, उनको हे मानता है, ठीक है आज मेरे पास है, जब तक मैं इनका उपभोग करूं उपयोग करूं, न ये कभी मेरी थी न कभी रहेगी, और मेरे पास है भी कितनी देर इसका पता नहीं, थोड़ा मौका मिला है उपयोग कर लूं, है ना। कोई चीज आपको मिलती, थोड़े समय के लिए मिलती, तो आप लोग क्या करते हो? उसका जितना बेहतर से बेहतर उपयोग करना होता वही करते हो ना। हाँ, कोई भी चीज आप लाए हो, कोई भी चीज, आजकल तो बहुत सारी चीजें, जैसे गाड़ियां भी लोग गाड़ी किराए से उठाते हैं। अब आपने 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के लिए लिए, जितनी देर के लिए लिया उसका उतना उपयोग करना चाहते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। क्यों? मेरे पास जितनी देर है उसका मुझे अच्छा से अच्छा उपयोग करना है। संत कहते हैं ये जीवन के साथ भी यही कहानी है, थोड़े देर के लिए है, जितनी देर जी रहे हो जाग कर जियो, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो। अपने समय का, अपने शक्ति का, अपने संसाधनों का सही उपयोग कर लो, ताकि तर सको, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। कह रहे हैं समय देखने में भोला भाला और निर्दोष मालूम होता है, समय देखने में भोला भाला और निर्दोष मालूम होता है, परंतु वास्तव में वह एक आरा है जो मनुष्य के जीवन को बराबर काट रहा है। तुम्हारी जिंदगी पल पल कट रही है, छन छन छीन हो रहा है, पता नहीं कौन सा क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण बन जाए। जागो, छन छन छीन होते हुए जीवन से अमृत का रस निचोड़ो, मरने से पहले अमर होने का रास्ता अंगीकार कर लो। कोई पता नहीं कब हम मरे और हमारी अर्थी उठे, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे जीवन के अर्थ को जान लो, इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले अपनी चेतना को जगा लो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन राम नाम सत्य ही होगा, उससे पहले अपने आप को जगाओ, जानो, जागो, मोह में मत उलझो। जीवन तुम्हारा है और नितांत तुम्हारा है, बाकी तो सब मेला है, झमेला है। अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, जीवन को संभालने और संवारने का उद्यम करें, जिससे जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। बहुत अच्छा वाक्य है, पवित्र काम करने में शीघ्रता करो, ऐसा ना हो बोली बंद हो जाए और हिचकी आने लगे। हो सकता है ना, प्रायः आप वृद्ध असक्त व्यक्तियों से मिलो ना, तो कहेंगे क्या बताएं, अब तो हमारी बस की नहीं,
पर यह भी बड़ी विचित्रता है, जवानों से पूछो तो बोलता हमारी अभी उम्र नहीं है। जवानों से बोलो तो जवान बोलेंगे अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़ों से बोले तो अब हमारी उम्र नहीं बची, गए दो ही पानी। अरे भैया कब क्या होगा कोई पता नहीं। गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है, जो जवान था वह बूढ़ा होकर, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। क्या बोल रहा हूं, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। कब पूरे हो जाओ कोई पता है क्या, कोई पता नहीं। तो अपने जीवन को संभालिए, सजग हो जाइए, अपना रास्ता बदलिए, मार्ग अंगीकार कीजिए, जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपना उत्थान किया जा सके। कोई कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए अच्छा काम करने में विलंब एक पल का मत करो। आप लोग अपने मन को टटोल करके देखो, बुरा काम करने में तत्पर रहते हो, अच्छा काम करने के लिए मन बनाना पड़ता है। 10 जन प्रेरित करेंगे तब मन होगा, होना उल्टा चाहिए। बुरा काम करने के लिए फिर भी टाल मटोल करो, बल्कि करो ही, लेकिन अच्छा काम समय रहते कर लो, ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर सका, और उसके लिए मैं तुमसे यही कहूँगा, एक बार फिर से आंख बंद करो और सोचो कि आंखें बंद करो, फिर बंद करो आंखें, सब जन बंद करो, आंखें बंद करो ताकि कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी हो। बंद करो, मुझे देखना नहीं है, केवल सुनना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे महसूस करिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। अब मान लीजिए अभी हमारी मृत्यु होती है, तो क्या तुम पूर्णतः संतुष्ट और तृप्त होकर के जाने की स्थिति में हो कि हाँ मुझे नर भव पाकर जो कुछ करना था सब कर लिया, अब जाऊं मुझे कोई विकल्प नहीं है? ऐसा कि 50 वो काम बचे हुए, बोलो क्या उत्तर आया? सब निश्चिंत निश्चिंतता से जाने की स्थिति में है? कितने लोग हैं जो ये कहे कि महाराज मेरी मृत्यु आज आ जाए मैं निष्फिक्र होकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस जीवन में जो करना था सो कर लिया है? एक दो आदमी ऐसे हाँ, दो हाथ उठ रहे हैं। बिना समाधि के जाने में खुश हो तुम? बोलो रतनलाल जी, फिर हाथ काहे उठा दिए? बिना समाधि के ऐसे जाओगे, फिर संसार में भटकोगे? अपना उद्धार करने का रास्ता तो सोचो, तैयारी करके जाओ। झोली भर के आए हो, झोली भर के ले जाओ, अभी तो रोज खाली कर रहे हो, उसकी तैयारी करो। जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाने का लक्ष्य रखो, नहीं तो फिर कल कंगाली का जीवन जीना होगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखे। बहुत अच्छा वाक्य है, मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं। मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के बाद वह जीवित रहेगा या नहीं, पर उसके विचारों को देखो तो वे करोड़ों की संख्या में चल रहे। प्लानिंग कितनी बड़ी, मुझे ये करना, मुझे वो करना, इसके बाद ये, इसके बाद वो। जितने यहाँ बैठे ना 50-50 साल आगे की प्लानिंग करके बैठे होंगे, बैठे होंगे कि नहीं? पर भैया अगले पल का भरोसा है? जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे कोई ठिकाना है? तो किस मोह में हो, इसलिए कह रहे जागो और फिर त्यागो, त्याग कर जियो। किसको त्यागो? मोह को त्यागो। जब तुम्हारा मोह छूट जाएगा चीजें अपने आप छूटेगी, और जब तक मोह नहीं छूटता तुम कितनी भी त्याग की बात करो चीजों से चिपके रहोगे।
अंदर का मोह गलना चाहिए। मोह गलता है तब यथार्थ का ज्ञान होता, वही सम्यक ज्ञान है। और जिसके भीतर अंतरात्मा का बोध प्रकट हो गया, जिसके अंदर सत्य का ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, जीवन जिसने जीवन और जगत की नश्वरता को जान लिया, वही अपनी आत्मा की अमरता का बोध कर पाता है। और जो जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानता है, वही संसार से पार उतर सकता है। क्योंकि जाने बिना जागना संभव नहीं और जागने के बिना त्यागना संभव नहीं। तो जानो, क्या जानो, फिर जागो, फिर त्यागो। तुम लोग देखो, थोड़ा सा भी कोई त्याग की बात होती है ना तो खलबली सी मच जाती है। अरे अभी तो फंस गए, अब तो त्यागना पड़ेगा। यही तो तुम्हारा ज्ञान है, दुनिया त्यागने के लिए तैयार हो। पर मोह माया में फंसे रहते हो। दो सेठों के बच्चे आपस में बात कर रहे थे, मेरा बाप मेरे अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया, मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा, मेरे पिता अपने पीछे 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। एक बोल रहा है 10 करोड़, एक बोल रहा है 20 करोड़। वहीं दो भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे, उसने कहा दोनों उल्लू के पट्टे हैं। भिखारी के बच्चों ने आपस में बात करते हुए कहा है दोनों उल्लू के पट्टे हैं। ये बात सुन करके दोनों चौंक पड़े, बोले हमें उल्लू के पट्टे क्यों बोलते हो? बोले क्या बताऊं, बोले क्या, बोले आप में से एक कहता है मेरा बाप 10 करोड़ छोड़ के गया, एक कहता है 20 करोड़ छोड़ के गया, हमें देखो हमारे बाप ने हम अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। हमारा बाप अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। तुम्हें 10 करोड़ 20 करोड़ देखते हो, दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी दुनिया को संभालो और दुनियादारी का मोह त्यागो, जिससे अपने जीवन का सही कल्याण हो सके। तो जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। बिना त्याग के ऐसे ही जीवन जीना अपने जीवन को बर्बाद करना है, इसलिए इस पर ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। मनुष्य को पता है, इस बात का पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं, पर उसके विचारों को तो देखो, वे करोड़ों की संख्या में चल रहे हैं। बस चल रहे चल रहे चल रहे, ख्वाबी पुलाव खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई रस हासिल होने वाला नहीं है। और बहुत अच्छा वाक्य है, पंख निकलते ही चिड़िया का बच्चा फूटे हुए अंडे को छोड़कर उड़ जाता है। पंख निकलते ही चिड़िया का बच्चा फूटे हुए अंडे को छोड़कर उड़ जाता है। शरीर और आत्मा की पारस्परिक मित्रता, शरीर और आत्मा की पारस्परिक मित्रता का यही दृष्टांत है। पंख निकलेगा, चिड़िया उड़ेगी, अंडा फूटेगा। ये तो ऊपर का कवच है, अंदर की चिड़िया कब उड़ेगी कोई पता है? जब मृत्यु का क्षण आएगा, एक बार में वो चिड़िया फुर्र हो जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को सदैव ध्यान में रखो, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है ना? ये 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का सफर है, ये सफर कब रुक जाए कोई पता नहीं। इसलिए जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। कह रहे हैं कि तू जीवन हो सबका हो, यही बाबी बोलिए मालिक की। आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़ धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।
श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन। पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्व एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारौर परिवार,